हाय भाई साहब, वाराणसी की गली है ना, क्या ही बताओ। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तब मैं हूं अभी आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूं वाराणसी। तो भाई आप पूछोगे वाराणसी आगरा फोर्ट होके क्यों जा रहे हो, एक्चुअली में तो भाई बात ये है, मतलब दिल्ली से मेरे को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही थी, तत्काल में भी कंफर्म टिकट नहीं मिली थी। मैंने टिकट बुक भी कर ली थी फिर भी मेरी टिकट कन्फर्म नहीं हुई, तो मैंने यहाँ से आगरा से करी तो आगरा से मेरे को कन्फर्म टिकट मिल गई तत्काल में। तो आगरा से जाऊँगा मैं वाराणसी, और वाराणसी एक्चुअली मैं ना आगरा की वीडियोज इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ताजमहल देखने गया था लेकिन मैं देख नहीं पाया। बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से जो ASI के जितने भी मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस हैं वो सभी के सभी फ्री हैं 15 अगस्त तक। जो लोकल टूरिस्ट है ना उनकी ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ज़्यादा की, तो मैं आगरा की चीज़ें नहीं देख पाया। लेकिन वाराणसी जाएंगे और वाराणसी घूमेंगे। अपनी ट्रेन है आगरा फोर्ट से मरुधर एक्सप्रेस, और ये यहाँ से 6:30 बजे चलेगी और सुबह 6 बजे ही वाराणसी पहुँच जाएगी। आने वाली है थोड़ी देर में ट्रेन, क्योंकि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, कोच नंबर भी डिस्प्ले पर आने लगे। तो मेरा जो कोच नंबर है वो है S1। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे वाराणसी जंक्शन पे। भाई साहब जब मैं हॉस्टल बुक कर रहा था ना तो अजीब से तो नाम आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात मैं सोच रहा था भाई वाराणसी में इतने महंगे हॉस्टल, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी हॉस्टल बुक करे ना वो 400 से ऊपर कोई भी नहीं हुआ, और यहाँ पे आके भाई 2,000-2,500, और भाई नाम भी ऐसे अजीब से, यार ये तो जैपनीज़ नेम लग रहे हैं। तो फिर मैंने चेक करा ना तो वो जैपनीज़ ही बता रहा था। ये लोकेशन का कुछ लोचा होता है इसमें, जब कई बार होता है। वेल हॉस्टल बुक कर लिया, यहाँ से काफ़ी दूर है, 4-4.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो भाई साहब कुछ ऐसा दिखता है वाराणसी का रेलवे स्टेशन। बाइक को यहीं तक रोक लिया गया क्योंकि यहाँ से आगे भीड़ ज़्यादा है, तो किसी बाइक को आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। यहाँ से हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 500 मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे का पैदल ही चल लेंगे हम। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे को दो चीज़ें अनकॉमन लगी, एक तो यहाँ पर इडली और सांभर खूब बिक रहा है जो कि एक साउथ इंडियन डिश है, और ऊपर से यहाँ पे साउथ इंडियन लोग भी काफ़ी हैं जो गंगा जी में नहाने आए हैं। और अभी मैं गलियों से होके गुजर रहा हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा गूगल मैप पे कि मेरी कौन सी गली है, कोई भटक गया ना तो ऐसे सी हो जाएगी। अभी तो सीधे ही जाना है भाई साहब, वाराणसी की गली है ना, क्या ही बताऊँ, बिल्कुल सगरी। और भाई अब कोई खो भी जाएगा यहाँ पे, अगर गूगल मैप, अगर कोई टूरिस्ट है और उसने अगर गूगल मैप नहीं लगाया है तो पक्का भटक गया, कि मैं सोच लेगा कि मैं ऐसे देखते देखते चला जाऊँगा तो पक्का भटक जाएगा। अब मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये दोनों पुर्तगाली हैं, इनका भी हॉस्टल आस पास ही है कहीं, तो लेट्स सी। Yeah. 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 Are you sure? Hi. What's your name? Arun. Arun. Yeah. Okay. You? Kuldeep. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. First time in India? For me, it's the first time. For me, it's the second. Okay. Oh, bhai sahab struggle kar raha hu Varanasi ki galiyon mein. अपने हॉस्टल को ढूंढने के लिए। मेरा जो हॉस्टल है ना वो बिल्कुल दरभंगा घाट के पास में ही है, और यहाँ से कहाँ से रास्ता है, कहाँ से सीढ़ियाँ, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, अच्छा खासा बंदा
अच्छा खासा बंदा घूम जाए यहाँ पे। तो ये है मेरा हॉस्टल और इसमें 3 बेड है और रूम वैसे छोटा है। और एक दिक्कत और है यहाँ पे ना, थोड़ी सी वेंटिलेशन की दिक्कत है। एक्चुअली यहाँ पे आप कहीं भी आसपास में, घाटों के आसपास में कोई भी हॉस्टल लोगे ना, वहाँ पे आपको वेंटिलेशन की दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं और मकान भी छोटे छोटे हैं, ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे तो आपको उतना ओपन एरिया वाला हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका बाथरूम। हाँ, एक चीज़ कहनी पड़ेगी, साफ़ सफाई वगैरह और सारी चीज़ें एक नंबर है, बस थोड़ा सा वेंटिलेशन का ही दिक्कत है। अब अपने हॉस्टल से तो निकल आया, अब यार इधर से भाई इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, इन्हें पता नहीं लग रहा है कि आगे से रास्ता बंद है या खुला है भाई, बहुत मुश्किल है। यही मेरे हॉस्टल के पास में है दरभंगा घाट, और मैं उधर ही जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं गूगल मैप ने ना रास्ता थोड़ा अलग, एक्चुअली मैं बात यह है कि गूगल मैप ने थोड़ा रास्ता घुमा के बता रखा है भाई, मैं गूगल मैप के हिसाब से चलूँगा वरना मैं भटक जाऊँगा अगर डायरेक्ट डायरेक्ट जाऊँगा तो, क्योंकि पता नहीं है आगे जाके कहाँ पे रास्ता बंद हो जाए और फिर आप भटक जाओ। और कुछ पेट पूजा भी करनी है, ब्रेकफास्ट भी करना है, शायद घाट पे ही कुछ मिल जाए ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे यार गलियाँ, यहाँ की गलियाँ ना भाई क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कोई आदमी बिना गूगल मैप के चलेगा तो पक्का भटकेगा, इसलिए प्लीज़ गूगल मैप का यूज़ करिए। सो फाइनली मैं गलियों से तो निकल ही आया, और मेरे को दिख गई है गंगा जी, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट अभी यहाँ से। भाई बहुत भूल भुलैया है गलियों में, अच्छे खासे आदमी को थक सकती हैं। ये देखो सामने, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे बोटिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं, क्योंकि गंगा जी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए जो क्रूज चलता है वो भी बंद है, बोटिंग भी बंद है, इसलिए एक भी बोट नहीं दिख रही है पूरे गंगा जी में। दरभंगा घाट थोड़ा सा आगे है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि पूरा पानी ओवरफ्लो है यहाँ पे। वेल देखता हूँ क्या सीन बैठता है। पहले सीन ये था कि ये जो बोटें दिख रही है ना, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा है, पानी बहुत ऊपर है, तो अब आप इधर से नहीं जा सकते, आपको गलियों से होके ही घूम के जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे सीधे सीधे आप पूरे घाटों पे जा सकते थे। और मुझे लगता है यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ की ज़मीन देख के लग रहा है कि भाई बारिश नहीं हुई है यहाँ पे काफ़ी दिन से। आप के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अंग्रेज बाबाओं के फ़ोटो ले रहे हैं बाबाओं को बिठा लिया एक साइड में, और चलो आओ बाबा तुम्हारा फ़ोटो लेते हैं। मैं आपको दिखा होगा, वो जिसके पास लंबा सा गिरता था उसने उनको बैठाया होगा। क्योंकि यहाँ पे हर 10 मीटर चलने पे आपको एक गली मिलेगी, और आपने सही गली नहीं ली तो हम भटक जाओगे। नहीं अभी नहीं है मेरी गली, अभी थोड़ी आगे है। मैं सोच रहा था कि पहले दरभंगा घाट पे जाऊँगा, लेकिन भटकते भटकते इधर आ गया, दशाश्वमेध घाट पे आ गया भटकते भटकते। चलो कोई नहीं, यहीं पे पास में ही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और भाई यहाँ देख रहे हो भीड़, सोलर वाड़ी भीड़ है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे नहाना होता है, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं, मैं बस ये कान हुए स्नान वाला सिस्टम है, क्योंकि मैं नहा लिया पहले ही ऑलरेडी। थोड़ा सा कहीं देखता हूँ अच्छा सा प्लेस वहाँ पे जाके, बस भीगे कान हुए मेरे स्नान। देखो घाट, मैं सोच रहा था यहाँ पे पानी होगा नहीं चाहिए, पूरा घाट है। मैं इस रस्सी को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। इधर कुछ भीड़ नहीं है, भीड़ तो उधर है, उधर चला जाए पहले। बस हो
गया अपना इसमें, अब चलते हैं अपन उधर की साइड में। कमाल की बात यह है कि आपको बहुत आराम आराम से देख देख के चलना है, पता चल रहा है आप नीचे धस गए कहीं पे। भाई घाटों की हालत ना खस्ता हो रही है बहुत ज़्यादा, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है पूरा। यहाँ देखो भाई भीड़ दबा के, यहाँ से पूरा भीड़ है, इतनी भयंकर भीड़ है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। मेरे को जहाँ तक दिख रहे हैं लोग ही लोग दिख रहे हैं, उधर की साइड तो कुछ नहीं थी, इधर की साइड है। अभी पहले मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, पूड़ी और सब्जी। अभी जलेबियाँ आ रही हैं, जलेबी भी बन रही है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था, मैं कहा भाई सिंपल पूड़ी आऊँगी गेहूँ की, भाई वो तो मिक्स ग्रेन वाली थी भाई, शानदार थी, मतलब मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करने का, जलेबियाँ भी अच्छी थी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।